तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में लेकर के नहीं आए कि क्वेश्चन चार ऑप्शन ये सही होगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है। क्या हुआ कि जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने क्वेश्चन को लिया है और वो जो आंसर है उसको डिटेल में बता दिया है, डायरेक्ट में ऑप्शन मैंने लिखा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ द टॉपिक्स ये भी मुझे एनालिसिस हुआ, मुझे ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ टॉपिक मेन टॉपिक खाली बता दूं तो ये आप लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीच बीच में ऐसा क्लास लेते आऊंगा, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं टॉपिक से रिलेटेड वो टॉपिक डायरेक्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो बिना कोई बकवास करते हुए आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सामने, और भी आगे आते जाएगा ऐसा ऐसा सेशंस जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जैसे मैं लिखा हूँ आप लोग वैसे ही हूबहू नोट करके रखिएगा, देखिए कि एग्जाम के टाइम एक अच्छा खासा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या है, पहले समझिए। देखिए ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बनेंगे तो यहां से आपका सॉल्व हो जाएगा, क्या आया था वो भी बता दूंगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वायर केबल्स, ठीक है। आज के जमाने में मैक्सिमम जितना आप बोल सकते हैं कि वायर केबल के जगह पे ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता था। पहले ना ऑप्टिकल फाइबर जब बना नहीं था तो उस वक्त सिर्फ वायर का केबल बना बिछाया जाता, वायर का केबल लगाया जाता था। इस कंप्यूटर से मान लीजिए मैं रांची में हूँ, रांची से धनबाद में हमको केबल लगाना है, तो उसके लिए वायर केबल होता था, उसमें बहुत डिमेरिट्स थे। अब बोलिएगा सर वायर लगाने में क्या डिमेरिट्स, अभी भी तो झारखंड के MPL के जगह से दिल्ली करंट जा रहा है, तो उसका भी उपाय जब आ जाएगा इस तरह से तो वो तार हट जाएंगे वहां से। लेकिन जब हमारे पास उपाय आ गए, कैसे इसका क्या फायदा हुआ ये तो जानना जरूरी है ना, कि ऑप्टिकल फाइबर क्यों लाए, ठीक है, इसमें क्या फायदा है कि वायर केबल के जगह पे अगर ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं तो क्या हो गया हम लोग के पास, क्या क्या बेनिफिट आ गया। तो देखिए बिकॉज दे डोंट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड्स, क्या हो गया कि इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता है। बोलने का मतलब अगर ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर से डाटा जाता है, क्या जाता है, डाटा जाता है, इंफॉर्मेशन जाता है, और इससे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलता है, इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलता है। लेकिन जब वायर होता था उसमें क्या होता था कि गति के कारण, इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, तो उसके वजह से क्या होता था, मूवमेंट की वजह से कि मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ उत्पन्न होते थे। इससे क्या होता था कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण बहुत ज्यादा पर्यावरण दूषित होते थे, क्या होते थे, पर्यावरण दूषित होते थे मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और भी कई सारे कॉजेज हैं जिसका वजह बन जाता था मैग्नेटिक फील्ड, जैसे बिना कोई टाइम के बारिश हो जाना। हम लोग को तो कॉज मालूम नहीं चलता है ना, कि कॉज लगता है कि बारिश हुआ तो मौसम खराब हुआ था इसलिए बारिश हो गया, तो बहुत सारे कॉजेस। तो ये भी एक कॉज है कि जो दुनिया में इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया कि पोल शिफ्ट होने लगे, हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल मालूम है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होने लगे, खिसकने लगे, इतना मैग्नेटिक फील्ड हमारा आर्टिफिशियली जनरेट होने लगा। तो इस वजह से हम लोग को एक अच्छा चीज़ मिल गया, क्या मिल गया कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता ही नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, और दुनिया में चारों तरफ ये जाल बिछे हुए हैं। कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, आप सुने होंगे कि एक दुनिया से एक देश का नक्शा ही मिट गया था। क्या हुआ था उसमें ना, कि कुछ ऑप्टिकल फाइबर का केबल्स डिस्कनेक्ट हो गए थे उस देश से, कुछ ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्टिविटी क्या हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से मैप में ना वो देश ही नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो इस तरह का इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में ऑप्टिकल फाइबर का, ठीक है। अभी देखिए, अभी लेटेस्ट जमाना चल रहा है, लेटेस्ट जमाना में क्या कर रहा है, कुछ दिन बाद हम लोग ना क्या करेंगे, मतलब सारे इंटरनेट, अभी भी आप जानते हैं कि इंटरनेट जो यूज कर रहे हैं सिम डाल के यूज कर रहे हैं, मोबाइल में सिम है, कुछ दिन बाद ऐसा आएगा कि सिम डालने की भी जरूरत नहीं होगी। आज भी करते हैं, जैसे वाईफाई यूज करते हैं तो बिना सिम का चलाते हैं, उसी तरह से फ्री वाईफाई या फिर पेड वाईफाई भी रहेगा। वाईफाई बोलने के बाद आज के लिए हम समझा रहे हैं कि उस वक्त कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा जो सैटेलाइट से डायरेक्ट आप इंटरनेट चला सकते हैं, शायद उसका कुछ रिचार्ज आएगा, ठीक है। इसका पहल भी हो चुका है एलन मस्क के द्वारा, आप लोग न्यूज में देखिए इसको, देखिए अब क्या कह रहा है, मोर इकोनॉमिकल, ये जो कीमत भी है इसका, जितना वो वर्क करता है उस वर्क फैसिलिटी के आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत इकोनॉमिकल है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा कीमती है ऐसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, मतलब आराम से सस्ता में मिल जाता है वर्क एफिशियंसी के आधार पर अगर देखा जाए तो। वेरी एफिशियंट टू ट्रांसफर डाटा, इसमें जो डाटा ट्रांसफर होता है ऑप्टिकल फाइबर में ना, वेरी एफिशियंट होता है, मतलब लॉसेस जीरो होते हैं। क्या बोल रहे हैं? लॉसेस जीरो होते हैं। देखिए, इफ दिस इज अ ऑप्टिकल फाइबर, अगर यहां पे कुछ डाटा था इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में और ये जाता है कहां से, ये मान लीजिए रांची से दिल्ली जा रहा है, रांची से दिल्ली गया, इंडिया से अमेरिका भी कर दीजिए, तो यहां पे इंफॉर्मेशन जहां से छोड़ रहे हैं वहां 100% डाटा है जो छोड़ रहे हैं, ठीक है। वो जब यहां पे जाता है तो 99.99% जो है ना करेक्ट होता है, 99.99% करेक्ट होता है, इसमें कमी बहुत ही कम होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। लेकिन आप अगर ये वायर यूज करते हैं, अगर ये वायर यूज करते और रांची से दिल्ली जाता करंट, अगर करंट जा रहा था, क्या जा रहा था करंट, यहां से यहां वायर के थ्रू, या फिर मान लीजिए वायर के थ्रू इंफॉर्मेशन भेज रहे थे, हम लोग वायर के थ्रू इंफॉर्मेशन भेज रहे थे, किसके रूप में ना, वोल्टेज के रूप में, विद्युत जा रहा है उसी सिग्नल के रूप में हम लोग क्या कोई डाटा या इंफॉर्मेशन भेज रहे थे। तो अगर यहां पे जब छोड़े तो 100% था, तो यहां आते आते 95 या 98% हो जाता था, मतलब बीच में कुछ लॉस दिखाई पड़ता था, ठीक है। अब जो है वैसा नहीं होता, ऑप्टिकल फाइबर क्या हो गया, वेरी एफिशिएंट टू ट्रांसफर डाटा, कि नो लॉसेस दिखता है इसमें। सो राइट, अब देखिए क्या कह रहा है आपका दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है। मॉडम, आप लोग नाम सुने हैं मॉडम, इंटरनेट चलाने के लिए करते थे, अब ये उठ गया, अब ये जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आपका चूंकि क्वेश्चन में आया हुआ है तो बताना जरूरी है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, अब तो यूज नहीं करते लेकिन पढ़ना जरूरी, सीडी यूज नहीं करते लेकिन पढ़ना जरूरी, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए कि मॉडर्न जो है वो क्या है, कि ये एक हार्डवेयर है। अब सवाल आता है सर हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, तो मेरा एक टॉपिक है, एक चैप्टर है हार्डवेयर का, उसमें मैं डिटेल में जितना हार्डवेयर है कंप्यूटर का उसका बताऊंगा, सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन हार्डवेयर थोड़ा सा भी समझ के लिखिए, क्योंकि मॉडर्न में एक हार्डवेयर है जो चीज़ फिजिबल हो, मतलब जो चीज़ को हम टच कर सके, देख सके और टच कर सके, दो चीज़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिसको हम देख सके और छू सके उसको क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे। तो ये क्या है, मॉडर्न एक हार्डवेयर है, मतलब इसको छू सकते थे देख सकते थे। ऑल राइट, तो व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा, इसका यूज कहां पे होता था, डाटा ट्रांसफर के लिए होता था, इसका यूज किया होता था डाटा ट्रांसफर के लिए होता था, फ्रॉम कंप्यूटर टू मोबाइल या फिर कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर टू कंप्यूटर अगर हम क्या करना चाहें, डाटा ट्रांसफर करना चाहें इंटरनेट के थ्रू, क्या बोल रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल होता था, इट इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट, क्या होता था इंटरनेट फील्ड में, अगर हमको डाटा ट्रांसफर करना रहता था एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में, या फिर इंटरनेट सर्विंग करना रहता था, तो मॉडेम का इस्तेमाल करते थे। तो देखिए मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, MO मतलब मॉड्यूलेटर और DEM मतलब डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। अब मॉड्यूलेटर का अर्थ क्या है, मॉड्यूलेटर का अर्थ होता है सर कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, क्या बोले, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। अभी ध्यान दीजिए, एक ग्राफिक्स में बता रहा हूं, मान लीजिए यहां पे आपके पास एक कंप्यूटर है, क्या है आपके पास एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में हमने मॉडेम लगाया, मॉडेम इस तरह का छोटा सा पार्ट होता था, मॉडेम लगाया, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है, सिग्नल निकल रहा है, यहां से जो सिग्नल निकलेगा, जो सिग्नल छोड़ती है वो सिग्नल हमेशा क्या होता है, डिजिटल होता है, क्या होता है, डिजिटल होता है। डिजिटल सिग्नल इस तरह से होता था, इस तरह से डिजिटल सिग्नल इससे निकल रहा है। अब मॉड्यूलेट मॉडेम लगा हुआ है, ये जो मॉडेम है ये क्या काम करता था, मॉडेम देखिए यहां पे मॉडेम है, MODEM, ये जो मॉडेम है यहां पे एक तरह का मॉड्यूलेटर का काम करता था, क्या काम करता था, मॉड्यूलेटर का, मैंने इस कंप्यूटर में मॉडेम लगा हुआ है, मतलब मॉड्यूलेटर भी है डीमॉड्यूलेटर भी, इस कंप्यूटर के में अगर मॉडेम लगा दिए तो उसमें उसके पास मॉड्यूलेटर भी है डीमॉड्यूलेटर भी है। तो यहां पे मॉड्यूलेटर क्या करता है कि ये जो डिजिटल सिग्नल है, क्योंकि ये इससे छोड़े तो जहां से छोड़ेंगे वहां मॉड्यूलेटर काम करेगा, और जो रिसीव करेगा वहां डीमॉड्यूलेटर काम करेगा, ठीक है। जहां से छोड़ेंगे इंफॉर्मेशन वहां मॉड्यूलेटर काम कर रहा है। मॉड्यूलेटर का क्या काम है, देखिए डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। तो डिजिटल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, इस टाइप का सिग्नल बन गया। यहां पे अब क्या लगा हुआ है, मान लीजिए एक मॉडेम लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मॉडेम लगा हुआ है,
और यहाँ पे एक आपका कंप्यूटर है, आई होप आपको कैमरा में दिख रही है, यहाँ पे है ना, कैमरा में दिख रही है। चलिए यहाँ पे भी एक मॉडम लगा हुआ, क्या हुआ है, यहाँ पे एक मॉडम लगा हुआ है, ये मॉडम को यहाँ पे हमने दर्शाया है। ये मॉडम किस तरह का काम करेगा, हमारा काम क्या है कि इस कंप्यूटर से, कंप्यूटर नंबर वन से कंप्यूटर नंबर टू में हम लोग डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या हुआ, पहले से फिर समझा रहे हैं कि इससे जो सिग्नल निकलेगा वो डिजिटल सिग्नल होगा। इस डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, एनालॉग सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है, मॉड्यूलेटर कन्वर्ट करता है। अब ये मॉड्यूलेटर क्या करता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो एनालॉग सिग्नल है इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर कौन सा भाषा समझेगा, ये डिजिटल लैंग्वेज ही समझेगा। किसको समझेगा, डिजिटल है, क्योंकि जीरो और वन समझते हैं, डिजिटल में क्या होता है, जीरो और वन, बाइनरी ही समझेगा। तो यहां पे जो मॉडम लगा हुआ है एक तरह का डी मॉड्यूलेटर का काम करेगा, और डी मॉड्यूलेटर का काम क्या है कि एनालॉग को क्या करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल से एनालॉग, और डी मॉड्यूलेटर क्या करता है, एनालॉग से डिजिटल। तो यहां पे जब मॉडम से निकलेगा, क्या निकलेगा, जो इन्फॉर्मेशन निकलेगा, ये मॉडम को क्या सिग्नल प्राप्त हुआ है, ये सिग्नल आपको प्राप्त हुआ है एनालॉग, ये एनालॉग प्राप्त हुआ है, ये एनालॉग को क्या करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब इस टाइप से इन्फॉर्मेशन हो जाएगा और आपका कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर इसको समझ लेगा, इसका दूसरा कंप्यूटर, आपका दूसरा कंप्यूटर ये समझ लेगा। आई होप आप समझ गए हैं। फिर से मैं क्लियर कर दूं कि एक जगह से दूसरा जगह डाटा ट्रांसफर कर रहे थे, मॉड्यूलेटर का काम क्या हो गया कि जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग में कन्वर्ट किया, और डी मॉड्यूलेटर क्या किया कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया। जहां जो काम है, मान लीजिए यहां से आप क्या कर रहे हैं, यहां पे ट्रांसफर कर, मैंने 2 to 1 कर रहे हैं, तो भी यही प्रोसेस होगा। तब क्या हो जाएगा बाबू, ये मॉड्यूलेटर बन जाएगा और ये डी मॉड्यूलेटर बन जाएगा, ये मॉड्यूलेटर बन जाएगा और ये डी मॉड्यूलेटर बन जाएगा, ठीक है, अगर उधर से इधर भेजे तो, ठीक है। एक मॉडम में दोनों चीज होता है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, टॉपिक को आगे लेके जाएंगे, आगे अब हम लोग और क्वेश्चंस को लिए हैं। देखिए क्या है, क्या कह रहा है, कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, सीडी का जमाना तो खत्म हो गया, लेकिन मालूम होना चाहिए सीडी क्या है कि कॉम्पैक्ट डिस्क, ये क्या है, एक तरह का डाटा स्टोरेज सिस्टम है। क्या है, डाटा स्टोरेज सिस्टम। तो हमारा एक टॉपिक होगा जिसमें हम लोग स्टोरेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस, फिर बोल रहे हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। इस टॉपिक में हम लोग जितने टाइप के स्टोरेज डिवाइस है और जो एक्सपेक्टेड है वो सारा चीज़ हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन आया है उसको ध्यान दीजिए कि इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, कि कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, कि स्टोरेज सिस्टम है, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि ये किस टाइप का होता है, ये किस टाइप का डाटा को स्टोर करता है, ये ऑप्टिकल टाइप, मतलब किस टाइप का डाटा को बोलने का मतलब सही समझिए, मेरा बोलने का क्या अर्थ है कि जो डाटा को वो स्टोर करता है वो किस फॉर्म में रहता है, ठीक है, वो किस फॉर्म में रखता है, तो ऑप्टिकल फॉर्म में रखता है या ऑप्टिकल टाइप में रखता है, ठीक है। और सीडी स्टोर्स द डाटा और इन्फॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म, इस बात को ध्यान दीजिए, ये एनालॉग फॉर्म में डाटा को नहीं रखता है, किस फॉर्म में रखता है, ये डिजिटल फॉर्म में डाटा को स्टोर रखता है, ये क्वेश्चन बनता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सीडी पहला बात क्या बोले कि डिजिटल फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है, और किस टाइप में, न ऑप्टिकल टाइप में। एक बात और कि ये ROM है, रोम है, क्या बोले, रोम है, आप लोग का ऊपर से जा रहा होगा, और जो लोग जानते हैं अच्छा बात है, कि एक होता है रैम RAM, एक होता है रोम ROM, ROM रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसे आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, इसमें दो तरह का स्टोरेज है, क्या है, दो तरह का स्टोरेज है, क्या है, एक है रैम एक है रोम। तो रैम क्या है, RAM जो इनबिल्ट होता है, क्या बोले, आपका जो आप जो खरीदे हैं, जहां से आप मोबाइल खरीदे हैं, इनबिल्ट होता है। और ROM रीड ओनली मेमोरी जो तो बाहर से लगाते हैं, और आजकल क्या हो रहा है, मोबाइल में रैम और रोम दोनों सेट करके दिया जा रहा है, आपको चिप खरीदना नहीं पड़ रहा है। तो पहले के जमाने में हम लोग को चिप खरीदना पड़ता था, मोबाइल खरीदते थे साथ में चिप खरीदते थे, जो चिप खरीदते थे ना वो रीड ओनली मेमोरी होता था, गेटिंग माई पॉइंट। और रैम के अलावा मोबाइल नहीं चलेगा, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर मिलते हैं, आपको जितने भी सॉफ्टवेयर मिलते हैं मोबाइल में ऑलरेडी इनबिल्ट या फिर बाद में इंस्टॉल करते हैं, वो रैम में ही होता है, और रैम ही एक्सेस करता है, इसीलिए इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका है रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। बाद में डिटेल में और चर्चा करेंगे, बस इतना जानिए कि सीडी जो होता है एक रोम का एग्जाम्पल है, ठीक है।
अब देखिए क्या बोल रहा है, आईसी चिप्स, इसके बारे में पढ़ा था हमने फर्स्ट या टू सेकंड वीडियो में, हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि आईसी चिप्स क्या होता है। ये क्वेश्चन आया है कि आईसी चिप्स फॉर कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ, कि आईसी चिप जो होता है वो किस धातु से या अधातु से या उपधातु से बना होता है, किस चीज से बना होता है। तो हमको मालूम है कि ये एक सेमीकंडक्टर से बना होता है, और वो सेमीकंडक्टर कौन है ना भाई, सिलिकॉन है। तो लिखा है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट मेड ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, उपधातु है। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें ऐड कर दिए हैं जो आप लोग पढ़े हुए हैं कि आईसी चिप का पहला बार इस्तेमाल कब हुआ था ना, थर्ड जनरेशन में हुआ था सर, याद हो जाना चाहिए। फर्स्ट में क्या हुआ था, सेकंड में क्या हुआ था, थर्ड में क्या, फर्स्ट में क्या हुआ था रिकॉल कीजिए, सेकंड में क्या हुआ था और थर्ड में क्या हुआ था। तो थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का यूज हुआ था। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बता रहा हूं डायरेक्ट। अब देखिए एक क्वेश्चन है जगह से रिलेटेड, क्या हो रहा है, वेयर इज एमएस सॉफ्टवेयर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट जो पहला, अभी तो बहुत जगह पे इंडिया में इसका माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर जो है ना, इंडिया में कई जगह पे है। ठीक है, लेकिन पहला बार कहां पे खुला था ना, हैदराबाद में 1998 में। माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में आया था 1998 में डेवलपमेंट सेंटर बनाने के लिए। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस, क्या बोल रहा है, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस इन द फील्ड ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एलाइड प्रपोज्ड टू बी सेट अप। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस बनाया गया था इंडिया में। ठीक है, किस चीज के लिए, आईटी के सेक्टर में और एलाइड सर्विस मतलब रिसर्च के सर्पस में, पर्पस में कहां प्रपोज किया गया था कि बनाएंगे ना भाई, इलाहाबाद में ये प्रपोजल आया था कि इलाहाबाद में इसका सेटअप हम लोग करेंगे, किसका ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस। इस बात को याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस इन द फील्ड ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एलाइड। ठीक है, इसके लिए प्रपोज किया गया था क्या कि इलाहाबाद में हम लोग इसका सेंटर बनाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है आया हुआ है फ्लॉपी डिस्क के बारे में, देखिए हाउ मच डाटा डज अ फ्लॉपी डिस्क होल्ड। ठीक है, एक फ्लॉपी डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क जानते हैं, ये भी एक क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, जैसे सीडी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, उसी तरह से फ्लॉपी डिस्क भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। जान के ताज्जुब होगी, ये जो आंसर लिखा हुआ है 1.44 MB। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क क्या करता है, 1.44 MB, एमबी माने जान रहे मेगाबाइट, इतना ही मैक्सिमम, ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है डाटा स्टोर करने का, किसका, फ्लॉपी डिस्क का। तो क्वेश्चन आया हुआ है, याद कर लीजिएगा, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि सर फ्लॉपी डिस्क कितना डाटा स्टोर कर सकता है, कितना अमाउंट का ना, 1.44 MB, ये मैक्सिमम है। ठीक है, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, जब स्टोरेज डिवाइस पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। और कुछ सवाल है देख लीजिए, चलिए अब और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, देखिए कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस इन अ मिनी फाइल इज, बोलने का मतलब क्या है कि जैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन आता है मतलब समझ रहे हैं, किस टाइप का साउंड करता है, टीट, या फिर कुछ अलग टाइप का साउंड, मतलब कोई चीज में क्लिक की, ठीक है, कोई आइकन में जाके क्लिक की और मान लीजिए खोलना चाहें, खुला नहीं, तो कुछ नोटिस आता है, वो जो नोटिस आता है एक पॉपअप मैसेज लेकर आता है, एक नोटिस लेकर आता है, एक पॉपअप मैसेज लेकर आता है, उसके साथ साथ एक क्या होता है, एक साउंड आता है, वो क्या है, एक सिग्नल है या फिर नोटिस है आप लोग के लिए कि उसमें लिखा हुआ रहता है क्या नोटिस रहता है। ठीक है, तो उसका जो यूज़ है वो कौन करता है, कि उसका इस्तेमाल करता है सिंथेसाइजर, उसको क्या कहते हैं, ये वर्ड हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिएगा, जो टी करके आता है वो क्या है, सिंथेसाइजर, SINTHESIZER, सिंथेसाइजर। ठीक है, इसका काम क्या है, मैंने लिख दिया, इसलिए इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल विच इज कन्वर्टेड इनटू साउंड। क्या करता है सिंथेसाइजर का काम क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करता है, जिसे क्या किया जाता है, साउंड सिग्नल में क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है थ्रू हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर उसमें लगा हुआ रहता है, कोई भी, बोलने का मतलब जैसे स्पीकर हो चाहे हेडफोन हो, इस टाइप का कोई हार्डवेयर लगा रहता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को
आपका साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और तो सिंथेसाइजर का काम समझ में आ गया, दिमाग में सेट हो गया कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए कि अ टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग एनिमेशन, अच्छा लेंगे एनिमेशन बनाते हैं, एनिमेशन देखते हैं ना, बहुत सारा फोटोज में एनिमेशन रहता है, एनिमेशन क्या, आप चलिए समझेंगे, इन विच वन इमेज चेंज इनटू अनदर इज कॉल्ड, मतलब आपके पास एक इमेज है, ठीक है, आपके पास एक इमेज है, मान लीजिए रिवॉल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सुने हैं, इवोल्यूशन ऑफ, इवोल्यूशन थ्योरी एक थ्योरी है, इवोल्यूशन थ्योरी कि मानव कैसे बना, मतलब कहाँ से शुरू हुआ मानव का बनना, तो आदि मानव था, उसके बाद थोड़ा सा विकास हुआ, उसके बाद थोड़ा सा विकास हुआ, मतलब एक ही फोटो में, एक ही फोटो में 10 तरह का रूप को दिखाना, एक ही फोटो में समय का अंतराल होते होते, समय बीतते बीतते अलग अलग चीज़ों को दिखाना क्या कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है। एनिमेशन आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, एनिमेशन लिख के टाइप कीजिएगा, देखिएगा बहुत सारा फोटो आ जाएगा, मतलब एक ही फोटो में ना बहुत सारा रूप दिखेगा आपको, तो एनिमेशन जो कहता है, इसीलिए लिख रहा है इन विच वन इमेज चेंज इनटू अनदर, ठीक है, इसको ये जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या कहते हैं, ये जो टेक्निक है इसे क्या कहा जाता है, इसे मॉर्फिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मॉर्फिंग, दिमाग में घुसा लीजिए कि एक फोटो में एक ही इमेज है, उसको हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है एनिमेशन, तो वो जो प्रोसेस है, वो जो टेक्निक है उसको बनाने का, उसे क्या कहते हैं, मॉर्फिंग, उसे क्या कहते हैं, मॉर्फिंग। आज के जमाने में आप लोग देखते होंगे gif देखते हैं ना, zip फाइल नहीं, zif अलग होता है, मैं gif का बात कर रहा हूँ, ठीक है, gif क्या होता है, देखते होंगे उसको, जैसे gif फाइल को कोई टच करते हैं उसमें कुछ आने लगता है, मतलब एक इंसान है तो एक इंसान क्या होने लगता है, इधर झुकने लगता है, ये होने लगता है, मतलब कुछ क्रिएटिविटी आ गया, ये आज के जमाने में आ गया है, पहले क्या होता था, इसे क्या कहते थे, मॉर्फिंग कहते थे, क्या कहते थे, मॉर्फिंग कहते थे। अब चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है, Who developed the concept of email? ठीक है, email अस्तित्व में कब आया, ईमेल अस्तित्व में कब आया और किसने लाया, तो किसने लाया का आंसर हो गया Ray Tomlinson, क्या बोला, Ray Tomlinson, याद रखेंगे, Ray Tomlinson, TOMLINSON, कब आया, 1971 को रे टॉमलिंसन के द्वारा ईमेल कॉन्सेप्ट लाया गया। ईमेल आप लोग तो जानते हैं आजकल तो मतलब जनरल हो गया, हर इंसान के पास एक मेल आईडी है, ठीक है, आप लोग अगर CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आपसे एक मेल आईडी मांगा होगा, आज कितना कॉमन हो गया है मेल आईडी, सोचिए। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, क्वेश्चन हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, रे टॉमलिंसन 1971 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये, क्या कहा जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है, उसमें पावर पॉइंट होता है, जैसे एमएस वर्ड होता है, एमएस प्रिंट होता है, एमएस वर्ड होता है, उसके बाद उसी तरह से एमएस वर्ड तो दो बार बोल दिए, एमएस वर्ड हो गया, डॉक फाइल हो गया, मतलब एमएस वर्ड को ही डॉक फाइल बोलते हैं, जैसे कि आपका प्रिंट, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें डिजाइन बनाते हैं, क्या बोलते हैं, पेंट, हाँ। अब देखिए हमारा टेक्निकल भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, सही मायने में अगर देखा जाए तो हमसे बहुत ज़्यादा आप लोग भी जानते होंगे, कई लोग जो बैठ के वीडियो देख रहे हैं शायद हमसे भी ज़्यादा जानते होंगे। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, इसी तरह से कई और सॉफ्टवेयर है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्वेश्चन आया हुआ है कि ये सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किया गया था किस चीज़ के लिए किया गया था, टू क्रिएट, किस चीज़ का क्रिएट करने के लिए किया गया था ना, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या आया था, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीमीडिया मतलब मीडिया का मल्टी, बहुत सारा मीडिया मतलब जैसे कि ग्राफिक्स मतलब समझ रहे हैं, इमेज लगाना, उसके बाद टेक्स्ट उसमें लिखना, साउंड लगा देना, उसमें वीडियो आना, एनिमेशन आना, ये सारे चीज किसमें किया जा सकता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके हम लोग इसको कर सकते हैं। कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं जो बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं, छोटे कंपनियों में भी काम करते हैं, अगर पीपीटी बनाने के लिए आपको बोला जाए, क्या बोलते हैं, पीपीटी, ठीक है, क्या कहा जाए, PPT, तो इसी को क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट बना करके लाना है आपको, माइक्रोसॉफ्ट का यूज करके पावर पॉइंट का आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट बना के लाना है। तो इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, ग्राफिक, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन, ये सारा यूज करते हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑप्शन था आपके पास, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो आई होप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट
कुछ क्लास के बाद और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते जाएँ। थैंक यू सो मच।